ताज़ा अपडेट और लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण लगभग 930 ईस्वी में यशोवमन नामक राजा ने कराया था। यशोवमन का एक नाम लक्ष्मण वर्मन भी था, इसलिए यह मंदिर लक्ष्मण मंदिर कहलाता है। वैसे यह मंदिर भगवान विष्णु का है। पंचायतन शैली में बना हुआ यह मंदिर खजुराहो में अब तक प्राप्त सभी मंदिरों में सबसे सुरक्षित स्थिति में है। कहा जाता है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए मथुरा से 16,000 शिल्पकारों को बुलाया गया था तथा यह मंदिर लगभग 7 वर्ष में बनकर तैयार हुआ था। हरे भरे जंगलों की हरितिमा में छिपा यह अनमोल सौंदर्य प्रायः 600 वर्षों तक मानव की आंखों से अछूता रहा। सन 1840 में एक ब्रिटिश शिकारी दल ने इस स्थल का पता लगाया था। बाद में उत्खनन के माध्यम से मिट्टी के गर्भ में दबा यह अनुपम सौंदर्य बाहर आया तथा सन 1923 में यह सर्वसामान्य में यात्रा के लिए चर्चित हुआ। एक पूर्ववर्ती जिसके अंतर्गत 64 योगिनी, लालगुहा, महादेव, ब्रह्मा, मातंगेश्वर और वराह मंदिर आदि आते हैं। दूसरा परवर्ती जिसमें शेष सभी मंदिर आते हैं। चंदेल वंश के राजाओं ने कुल 85 मंदिर बनवाए थे, जिनमें से वर्तमान में केवल 22 मंदिर शेष बचे हैं। लक्ष्मण मंदिर के बाद आता है विश्वनाथ मंदिर, जो लगभग 1002 ईस्वी में महाराजा धनदेव वर्मन ने बनवाया था। यह मंदिर भी लक्ष्मण मंदिर के समान ही पंचायतन शैली का बना हुआ आता, किंतु वर्तमान में केवल 2 उपमंदिर उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पश्चिम कोनों में ही स्थित हैं। बाकी दक्षिण पूर्व एवं उत्तर पश्चिम कोनों के उपमंदिर टूट चुके हैं। मंदिर के सामने का नंदी मंदिर, जो कि विश्वनाथ मंदिर के ही चबूतरे पर बना है। दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में।